मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खैमियाजा भुगतना पड़ा। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्ट्रल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिया। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ।